चलिए शुरू करें केसेस। सबसे पहला केस, अच्छा अब सबसे पहला केस आया आपकी डेफिशिएंसी इन सर्विस में कहाँ पे? अच्छा तो अभी आप आपको पहला स्कूल पहला केस है दिस रिगार्ड्स टू अ स्कूल। अच्छा अब स्कूल ने क्या किया भाई, स्कूल ने एक स्विमिंग पूल ओन करते थे तो स्कूल ने बोला कि भाई मैं बच्चों को यहाँ पे स्विमिंग करने की अपॉर्चुनिटी भी दूंगी और जिनको सीखना है वो कोचिंग भी कर सकते हैं। तो ये दो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। आपको खाली रिक्रिएशन के लिए स्विमिंग पूल यूज़ करना है, आप रिक्रिएशन के लिए स्विमिंग पूल यूज़ करिए। आपको क्या करना है, रिक्रिएशन नहीं कोचिंग के लिए आना है तो हम आपके लिए कोच भी अपॉइंट करेंगे। बेस्ड ऑन विच एक पेरेंट ने अपने बच्चे को यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए भेजा। कहा जाता है कि भाई वो बच्चा गया कुछ टाइम स्विमिंग सीखी, बट समडे जब वो ऐसी स्विमिंग क्लासेस के लिए गया था वो वहाँ पे डूब गया और डूब के मर गया। जहाँ उसे हॉस्पिटल लेके गया गया तो हॉस्पिटल में बोला गया कि यार कहीं ना कहीं ये पानी जो इसके पूरे चेस्ट में पूरा भर गया जिसकी वजह से सांस नहीं ले पाया, हेंस ही डाइड। तो चोक होने की वजह से ही डाइड, फर्स्ट पॉइंट। आगे, अच्छा चोक हो गए ही डाइड। द पेरेंट्स फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द स्कूल कि भाई किस तरीके का स्कूल है जो अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में ऐसे ही छोड़ देता है डूबने, एंड देयर इज नो वन टू सेव। टू विच द स्कूल रिप्लाइड कि हमारी गलती है ही नहीं, हम तो स्विमिंग पूल रिक्रिएशन के लिए देते हैं। किस तरीके के पेरेंट्स हो जिन्होंने अपने बच्चे को भेज दिया यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए जब उसको आती नहीं है। टू विच द पेरेंट्स रिप्लाइड कि आप लोगों ने हमको बोला था कि स्कूल की तरफ से कोच प्रोवाइड किया जाएगा जो स्विमिंग पूल के आसपास रहेगा, बच्चों को सिखाएगा भी और उनका ध्यान भी रखेगा। स्कूल डिनाइड कि हमने कभी कोई कोच रखने की बात की थी, जबकि पुलिस वालों ने कोच को अरेस्ट भी किया था और कोच ने बोला कि हाँ मैं तो वहां पे सिखाता हूं पर उस दिन मैं वहां पे नहीं था। तो दो स्टेटमेंट आ गए, पुलिस ने कह दिया सॉरी कोच ने कह दिया कि मैं सिखाता हूं पर उस दिन मैं वहां पे नहीं था, और स्कूल कह रहा है कि हमने तो कोच अपॉइंट ही नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है यहां पे एक चीज स्टैब्लिश हो गई थी कि स्कूल झूठ बोल रहा है। टू विच नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि क्या ये कोच का नेग्लिजेंस था या ये कोच की इनकम्पिटेंसी थी कि उसने ढंग से लोगों को स्विमिंग करना नहीं सिखाया। वन सेकेंड, स्विमिंग करना सिखाया तो क्या ये कोर्ट के कोर्ट बोल रहा हूँ कोच की नेग्लिजेंस थी कि वो उस दिन वहाँ पे नहीं था, क्योंकि अगर वो होता तो वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर लेता, या फिर स्कूल को एटलीस्ट वहाँ किसी और को लगाना चाहिए था कोच की जगह पे कि भाई आज का दिन अगर कोई बच्चा आएगा तो आप उनका ध्यान रखेंगे। जहाँ पे कमीशन ने बोला कि यस ये डेफिशिएंसी है आपकी सर्विस में और आपको इस डिसीज्ड बच्चे के पेरेंट्स को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, और हमने 1.5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा कॉम्पनसेशन, एक बच्चे के डूब के मरने का 1.5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दिया अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इतना ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिलता नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया लगता है। जल्दी से रीड करते हैं एक बार। सो फेलियर टू प्रोवाइड बेसिक सेफगार्ड्स इन स्विमिंग पूल डेफिशिएंसी इन सर्विस। सो इन केस ऑफ शशिकांत कृष्णाजी ढोले वर्सेस शिक्षण प्रसारक मंडली डिसाइडेड ऑन 27/9/1995 द स्कूल ओन्ड अ स्विमिंग पूल एंड ऑफर्ड स्विमिंग फैसिलिटीज टू द पब्लिक ऑन पेमेंट ऑफ अ फी। द स्कूल कंडक्टेड विंटर एंड समर ट्रेनिंग कैंप्स टू ट्रेन बॉयज इन स्विमिंग एंड फॉर दिस पर्पस एंगेज्ड अ कोच। डायरेक्ट है, द कंप्लेनेंट हैड एनरोल्ड देयर सन फॉर लर्निंग स्विमिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ द कोच। It was alleged that due to negligence of the coach, the boy was drowned and met with his death. The school denied that it had engaged the service of a coach and also denied any responsibility on its part. Sab kuch mana kar diya. The coach claimed that he was a person with considerable experience in coaching young boys in swimming, and that is in other cases he taught the deceased boy also the way in which he should swim and take all precautions while स्विमिंग। अब इसने क्या कर दिया, विटनेस में बोल दिया कि मैंने तो उस बच्चे को भी सब कुछ सिखाया था कि कैसे प्रिकॉशंस लेने। व्हेन द डिसीज्ड वाज फाउंड टू हैव बीन ड्रोन्ड द कोच इमीडिएटली टुक हिम आउट ऑफ द वाटर एंड रिमूव द वाटर फ्रॉम हिज स्टमक एंड गेव हिम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड देयर आफ्टर टुक हिम टू डॉक्टर वेयर ही डाइड। द स्टेट कमीशन हेल्ड दैट द स्कूल एंड द कोच डेफिशिएंट इन रेंडरिंग सर्विस टू द डिसीज्ड, दैट द कोच वॉज नॉट फुल्ली ट्रेन्ड एंड ही डिड नॉट एक्सरसाइज इवन द बेसिक कॉमन सेंस नीडेड टू काउंटर एन एक्सीडेंट इन स्विमिंग। मतलब उसने कुछ भी नहीं किया इसे सही करने के लिए। ही वॉज सो कैजुअल इन हिज बिहेवियर दैट ही डिड नॉट अटेम्प्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू सेव द लाइफ ऑफ द डिसीज्ड, एंड सो फार एज द स्कूल वॉज कंसर्न इट डिड नॉट इवन प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज नॉट डिड इट प्रोवाइड एनी सेफ गार्ड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। डिसमिसिंग द अपील ऑफ द नेशनल कमीशन ऑब्जर्व्ड सॉरी डिसमिसिंग द अपील। अच्छा इसको क्या हुआ, इस केस को फिर इन लोगों ने आगे अपील कर दिया। तो भाई केस ये स्विमिंग वाला केस था, तो भाई अच्छा स्विमिंग केस का वर्डिक्ट क्या था,
स्कूल इज लाइबल फॉर व्हाट? नेग्लिजेंस. अब बेटा इस जजमेंट से ना खुश होकर इन लोगों ने कहां पे अप्लाई किया? नेशनल कमीशन में अप्लाई किया. तो आपने अपील करी होगी बेटा, अपील भी इनकी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई. डिसमिसिंग द अपील, द नेशनल कमीशन ऑब्जर्व दैट द स्टेट कमीशन हैड गिवन कॉगेंट रीजंस फॉर होल्डिंग द स्कूल एंड द कोच रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ द डिसीज्ड. अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ डिस्पोजिशंस, डिस्पोजिशंस मतलब गवाही ऑफ आई विटनेस, डिस्पोजिशन का मतलब होता है गवाही, showed that the commission had correctly appreciated the evidence and come to the conclusion that the coach was negligent and the school did not provide the necessary life-saving mechanism to save the lives of trainee students in case of accidents. So far as the compensation was concerned, the state commission had taken all relevant factors into account and fixed the amount at ₹1,50,000, which was reasonable. जहां पे इन लोगों ने फाइनल कॉम्पनसेशन कितना अलाउ कर दिया? 1.50 लाख. ठीक है, ये बन गया बेटा आपका स्विमिंग वाला केस. श्योर बेटा, जिन लोगों को केस का नाम याद करने का मन हो, केस के नाम आपके नोट्स में दिए ही हुए हैं. सेकेंड है रिमूवल ऑफ लैडर ऑफ एन एयरक्राफ्ट वाइल डिसएम्बार्किंग द पैसेंजर. अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो भाई? अब ये केस थोड़ा सा बेइज्जती वाला था. तो एक बंदा घूमते घामते एयरपोर्ट पहुंच गया, उसकी फ्लाइट थी, प्लेन के अंदर जाके बैठ गया. प्लेन के अंदर बैठा तो एक अनाउंसमेंट हुआ कि ताऊ जो इस नंबर वाली सीट पर बैठा है उसका सामान बाहर गिर गया है, चाहिए तो उठा लो. तो जाहिर सी बात है, आप जब बोल रहे चाहिए तो उठा लो, तो उसने कहा मतलब प्लेन से नीचे उतरने के लिए अभी भी सीढ़ियाँ होंगी. जैसे वो बाहर उतरा, उसने एक सीढ़ी रखी और सीढ़ियाँ हट चुकी थी और धड़ करके नीचे गिरा. भाई को बॉडी इंजरी हुआ. अब ये जो बॉडी इंजरी हुआ, बॉडी इंजरी में अपन ने बोला कितना बॉडी इंजरी हुआ, चेक कराया गया तो हमने बोला कि देखो दो तरीके की डिसेबिलिटीज होती है. एक, मैं चक्कू लेके आया आपकी आंख में मार दिया, ये आपको परमानेंटली डिसेबल करते हैं. और एक, मैंने आपका हाथ तोड़ दिया, वापस सही हो जाएगा, सही से चलने लग जाओगे. तो देर इज वन परमानेंट डिसेबिलिटी और दूसरा टेम्परेरी डिसेबिलिटी. पहली बात, इसको इस गिरावट से टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुआ था, मतलब आज नहीं तो कल ये वापस ठीक हो जाएगा, पहला पॉइंट. और हमने पूछा कि भाई इतना बड़ा शरीर है, अच्छा किसी का दिमाग फूट जाए, चाहे दिमाग है इतना सही, पर आपकी मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी पोर्शन यही खत्म हो जाती है भाई. अगर ये नहीं काम कर रहा तो बॉडी का कोई पार्ट सही काम नहीं करेगा. तो ऐसा नहीं है कि इतना टूटा तो 10%, इतना टूटा तो 20%. ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बताते हैं कि यार बॉडीली इंजरी कितने हुई है. तो रिपोर्ट आई अप टू 10% के अंदर ही इंजरी हुई है, मतलब इट कुड बी 7%, 8%, 10%, पर एक लमसम बोला गया कि 10% पकड़ लो, 10% हाईएस्ट इंजरी है. अच्छा, ये क्यों निकाली जाती है रिपोर्ट? क्योंकि जितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से तो कॉम्पनसेशन मांगेंगे अपन. तो रिपोर्ट है कि 10% तक का नुकसान हुआ है. अच्छा, एयरक्राफ्ट वालों ने फिर से डिनाई कर दिया, बोले हमारी गलती नहीं, हमने तो बोला सामान नीचे पड़ा है, तू क्यों नीचे उतरा, हमसे कन्फर्म करता, तूने हमसे पूछा तू तो दौड़ गया. ये बंदा कह रहा है कि तो आपने ऐसा क्यों बोला कि तेरा सामान नीचे पड़ा है, जाके नीचे से खुद लेके आ जाते, भैंस ही खत्म हो जाती. आप बोले इसीलिए तो मैं उठ के दौड़ा नीचे की तरफ, मैं भूल गया था कि मैं रेलवेज में नहीं हूँ, ट्रेन के टाइम पे तो अपन ऐसे ही दौड़ते ना यार. तो इस बात पे रुक गए. अब कमीशन ने क्या बोला कि भाई एक काम कर, तेरे को कितना कॉम्पनसेशन चाहिए तू बोल. तो इस बंदे ने ये एयरक्राफ्ट लेडर वाले में 10 लाख का क्लेम मांगा. सो दिस गाय क्लेम फॉर 10 लाख. मैं लिख रहा हूँ क्लेम. क्लेम फॉर 10 लाख रुपीज. ठीक है यार, एक जगह बोल दो. हाँ वहाँ से एयरक्राफ्ट लैडर जहाँ पे क्लेम मांगा 10 लाख रुपए. ठीक है, अब 10 लाख रुपए गए. टू विच द कमीशन सेड कि फाइन कितना लग सकता है. तो पहले तो बोला था बैठ जाओ.
to which the commission said 3 lakh fine, no problem, jaldi baith jao. 3 lakh fine to which 3 lakh rupees aapke nuksan ke liye fine hoga aur saath saath mein 1 lakh rupees aapko fine lagega jo hoga 3 lakh aur 1 lakh rupees kis cheez ka fine hai mental trauma ka. हाँ जी 3 लाख नुकसान 1 लाख मेंटल ट्रॉमा टोटल फाइन कमीशन ने इतना बना के दे दिया पैक. अब देखिए इस केस के अंदर क्या बोला अपन ने 3 लाख और 1 लाख. अब ये पैसेंजर बोल रहा है कि नहीं मेरे को 4 लाख रुपए कॉम्पनसेशन नहीं जमता. 4 लाख 1 लाख आई एम सॉरी 4 लाख एंड 1 लाख इतना फाइनल कॉम्पनसेशन. ये बोलता है कि नहीं मुझे 5 लाख नहीं चलेगा मेरे को कितना चाहिए 10 लाख रुपये चाहिए. तो इस बंदे ने इस केस को आगे की तरफ अपील किया. अच्छा जिसको कॉम्पनसेशन मिला उसी ने आगे अपील की है ये कहते हुए कि मेरे को तो ज्यादा कॉम्पनसेशन चाहिए. टू विच द कोर्ट रिप्लाइड कि भाई एक बात समझ हम लोग हायर कॉम्पनसेशन कब देते हैं. एक केस हायर कॉम्पनसेशन कब मिलता है जब परमानेंट डिसेबलमेंट हो. एक परमानेंट डिसेबलमेंट का मतलब क्या होता है कभी भी काम नहीं कर सकते. सेकंड परमानेंट डिसेबलमेंट क्या तेल लेने. अब ये कह रहा है कि ऐसा लॉस हुआ है जो अबव 10% इंजरी है और आपका तो 10% से भी कम है. इसने बोला अप टू 10% की इंजरी हुई है तो ना आप इस वाले रिम में आए ना आप इस वाले रिम में आए. तो ऐसे केस में आपका कॉम्पनसेशन किसी भी हालत में मोर देन 5 लाख नहीं हो सकता. ऐसे केस में आपका ऑफेंस जिसमें जो आपको कॉम्पनसेशन चाहिए वो मोर देन 5 लाख नहीं हो सकता चाहे कुछ भी कर लो. हाँ जी कोई डाउट नहीं है श्योर इनफ बहुत सिंपल है. अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़े. इसने बोला कि क्या कॉम्पनसेशन चेंज होता अगर इंजरी ज्यादा होती. टू विच द कोर्ट सेड अगर आने वाले केसेस में कभी भी परमानेंट डिसेबलमेंट हो रहा है या फिर कोई ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से लाइफ टाइम आपकी इनकम एबिलिटी कम हो जाएगी लाइफ टाइम आपकी इनकम एबिलिटी कम हो जाएगी तो हम आपका कॉम्पनसेशन बढ़ा देते हम आपका कॉम्पनसेशन बढ़ा देते. तो यह केस था आपका एयरक्राफ्ट लैडर केस एकदम ठीक श्योर जमा. चलो जल्दी देख लो इन स्टेशन मैनेजर इंडिया एयरलाइंस वर्सेस डॉक्टर जितेश्वर आहिर. नाम याद रख सकते हो रखो नहीं रख सकते कोई बात नहीं मेन फैक्ट्स है. ऑफ 1994 डिसाइडेड ऑन 28/2/1996 व्हेन द कंप्लेनेंट मतलब जिसने शिकायत करी पैसेंजर मतलब पैसेंजर ने शिकायत करी ऑक्यूपाइड हिज सीट इन द एयरक्राफ्ट एन अनाउंसमेंट वॉज मेड दैट हिज लगेज वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड unidentified and that he should disembark to identify his luggage. हाँ जी आवाज आई सामान नीचे पड़ा है आजा आके ले ले. According to the complainant, he moved towards the rear door and finding that the step ladder was attached to the aircraft door. उसने सामने देखा कि भाई सीढ़ी लगी हुई है इन्होंने बोला सामान नीचे गिरा हुआ है मैं सामान लेने नीचे चला जाता हूँ. He stepped out onto the staircase, but before he could actually put his entire body weight on the staircase, the ladder was suddenly removed. As a result of which, he fell down on the ground. सीढ़ियाँ हट गई, भाई बेइज्जती के साथ नीचे गिरा, and sustained bodily injuries, which was reported to be around 10%. As against the complainant's claim of rupees 10 lakh, the airline was willing to pay 40,000 as compensation. Airline ने क्या बोला मैं तो 40,000 ही दूंगी compensation, which according to them was the maximum liability of the corporation under the Carriage by Air Act 1972. इन्होंने बोला हमारे रूल में ही लिखा है कि एक पैसेंजर मर भी जाए ना आपके यहाँ पे तो 40,000 से ज्यादा compensation मत देना. तो अच्छा तो यहाँ पे एक और चीज उठी थी ये अगर इधर नहीं भी लिखा है तो इस चीज को ध्यान रखना. इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई हमारे एयर कैरेज एक्ट के अंदर ही क्या लिखा हुआ है 40,000 हाइएस्ट कॉम्पनसेशन है. बट टू विच यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा था कि क्या फिर ये एक्शन कोपरा के अंदर आएगा
या फिर ये एक्शन कोपरा के अंदर आएगा या फिर ये क्वेश्चन कैरेज बाय एयर एक्ट 1972 के अंदर चला जाएगा, आइदर कोपरा और कैरेज बाय एयर एक्ट 1972। हाँ जी, यहां तक सब साथ में। टू विच हमने बोला कि अभी वेल स्टैब्लिश्ड है कि एक बंदा जो एयरप्लेन की टिकट खरीदता है वो वेरी वेल कंज्यूमर है, और एक बंदा जो आपको ये सर्विस दे रहा है यहां से वहां तक ले जाने की वो सर्विस प्रोवाइडर है, और अगर उसको आपके विमान में आपकी वजह से किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आती है तो क्योंकि आप कोपरा के अंदर आ गए हम क्या बोलेंगे कि आपकी तरफ से क्या थी डेफिशिएंसी इन सर्विस। तो बेटा कैरिज ऑफ एयर एक्ट के हिसाब से तो 40,000 एकदम सही फाइन था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर हमने बोला कि तेरे को किसने बोला कि हम इस एक्ट के अंदर से रेवेन्यू लेंगे। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सुना है, जब दो लॉज है जो बेटर ज्यादा अच्छा लॉ होगा हम तो वही बेनिफिट लेने वाले। एक लेडी को एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर भी मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2015 के अंदर भी बेनिफिट मिलता है। ऑब्वियसली वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2015 में जाएगी जहां उसको 26 हफ्ते की छुट्टी मिलती है एज अगेंस्ट ईएसआई एक्ट जहां पे कोई इतनी ज्यादा छुट्टियां है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहां ज्यादा बेनिफिट है वहां जाएंगे। द स्टेट कमीशन आफ्टर एग्जामिनिंग विटनेसेस एंड द मेडिकल बोर्ड रिपोर्टेड हेल्ड दैट देर वॉज डेंजरस डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड हैविंग रिगार्ड टू द एक्सपर्ट ओपिनियन एंड अदर मेडिकल रिपोर्ट्स इट ऑर्डर्ड पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ ₹4 लाख एंड 1 लाख फॉर मेंटल एगनी। अच्छा, मेंटल एगनी का मतलब कुल मिला के डिप्रेशन फेस किया, आप टेंशन में रहे, इतना भागा दौड़ी की, उसके लिए ₹1 लाख आपको दिया एंड कॉस्ट, ये तीन चीजें थी, 4 लाख बॉडी इंजरी के लिए, 1 लाख मेंटल डिप्रेशन के लिए, बाकी का पार्ट कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या? जितने पैसे उसको आपसे रिकवर करने में खर्चा करना पड़ा वो भी रिकवर करवा के दे दिया। इन अपील बाय द कॉर्पोरेशन द नेशनल कमीशन अपहोल्डिंग द स्टेट कमीशन ऑर्डर हेल्ड दैट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन रिलाइड अपॉन बाय द एपेलेंट कॉर्पोरेशन इफ इट वॉज प्रूव दैट द एक्सीडेंट कॉस्ट टू द कंप्लेनेंट हैड रिजल्टेड इन अ परमानेंट डिसेबलमेंट। अगर आपको परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ होता, इनकैपेसिटेटिंग जो आपको काम करने से ही मोहताज कर देती, हिम फ्रॉम एंगेजिंग इन और बीइंग ऑक्यूपाइड विथ हिज यूजुअल ड्यूटी और हिज बिजनेस और ऑक्यूपेशन द लाइबिलिटी कुड नॉट एक्सीड ₹5 लाख 5 लाख हाईएस्ट है इस केस में। द केस रिलेटेड टू द इनकैपेसिटी एंड परमानेंट डिसेबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 10% एंड देयरफॉर द कॉम्पनसेशन वुड नॉट एक्सीड ₹5 लाख। द कमीशन असेसमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ 4 लाख वॉज जस्टिफाइड कंसिडरिंग द एज ऑफ द कंप्लेनेंट वॉज जस्ट 37 at the time of accident and his having lost earning capacity. अच्छा, खाली अभी कुछ टाइम के लिए लगी और टेम्प्रेरी इंजरी है तो क्या उसकी कोई अर्निंग कैपेसिटी कम हुई? नहीं हुई। तो क्या ये ₹4 लाख जस्टिफाइड थे इनके हिसाब से? यस। द स्टेट कमीशन वॉज ऑल्सो राइट इन अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन ऑफ ₹1 लाख फॉर द कंप्लेनेंट मेंटल सफरिंग एंड एग्नी एज वेल एज फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी इन सोशल रिलेशन, क्योंकि भाई अभी टूंडे की तरह चल रहा होगा, कुछ दिन इन्फीरियर फील कर रहा होगा, ₹1 लाख एक्स्ट्रा लेके जा। डेफिशिएंसी इन सर्विस कैन नॉट बी अलेज्ड विदाउट एट्रीब्यूटिंग फॉल्ट इम्परफेक्शन शॉर्टकमिंग और इन एडिक्वेसी इन द क्वालिटी नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस विच इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय अ पर्सन इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज इन रिलेशन टू एनी सर्विस। द बर्डन प्रूविंग डेफिशिएंसी इन सर्विसेज इज अपॉन द पर्सन हु अलेज्ड इट। Complainant has not established any willful fault, imperfection, shortcoming or inadequacy in the service of the respondent, there can be no deficiency in service. Exact case settled, koi doubt ho to puch lo. Acha, ab piche dusra case hai. Ye case kisi ne padha tha kya tha? परफेक्ट। फ्लाइट मिस करवा दी आपके अननेसेसरी रूथलेस प्रोसीजर की वजह से, कोई खासा रीजन था ही नहीं। देखें इधर केस कौन सा था भाई, रवनीत सिंह बग्गा वर्सेस केएलएम रॉयल डच फिन टाइम्स। द कंप्लेनेंट बुक्ड अ टिकट फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क बाय केएलएम पेन। ठीक है, आप कहां से जा रहे भाई? न्यू दिल्ली
से न्यूयॉर्क निकले आप, ठीक है जाने दो भाई इसको. द एयरपोर्ट अथॉरिटीज इन न्यू दिल्ली डिड नॉट फाइंड एनी फॉल्ट इन हिज वीजा एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. तो यहां पे से तो भाई अप्रूवल मिल गया, तो अगर इन सिंपल कहूं तो यहां से भाई को हरा झंडा था. However, at Amsterdam, the airport authorities instituted proceeding of verification because of which the appellant missed his flight to New York. अच्छा, तो अब ये फ्लाइट क्या थी? एक कनेक्टिंग थी. न्यू दिल्ली से आप कहां जा रहे थे? और यहां से आप कहां जा रहे थे? न्यूयॉर्क जा रहे थे. भाई दिल्ली वाले ने बोला एकदम सब कुछ सही है. ये कहां पहुंच गए? एम्स्टरडैम. एम्स्टरडैम में इसको रोक लिया और बोला कि नोप, नॉट अलाउड. कुछ तो प्रॉब्लम है जिसमें इन लोगों ने वेरिफिकेशन करना स्टार्ट किया, और वेरिफिकेशन में इतना टाइम लग गया कि यहीं पे इसकी फ्लाइट क्या हो गई? मिस हो गई. ठीक. अच्छा मैं इस केस में आपको एक और चीज बताता हूं, पहले एक बार ये पढ़ ले. फ्लाइट हो गई मिस. आफ्टर रीचिंग न्यूयॉर्क द एयरलाइन सॉरी विच द एपलेंट मिस हिज फ्लाइट ड्यू टू न्यूयॉर्क. आफ्टर रीचिंग न्यूयॉर्क द एयरलाइन स्टैंडर्ड apology to the appellant for the inconvenience and paid as goodwill gesture a sum of rupees 2500. देख रहे हो कितने पैसे दिए? सॉरी भाई तेरी फ्लाइट मिस हो गई, ये पकड़ 2500 रुपए, एयरपोर्ट पे खाना खा लेना. द एपलेंट मेड अ कंप्लेंट टू द नेशनल कमीशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच वॉज रिजेक्टेड. एपलेंट भी कुछ ज्यादा ही शाना. बग्गा भाई कह रहे हैं कि नहीं मेरी बेइज्जती हुई है एम्स्टरडैम में, आपने मेरी फ्लाइट मिस करवा दी और 2500 रुपए दे रहे हो. और ये कहाँ पे अप्लाई करने चला गया? नेशनल कमीशन. नेशनल कमीशन में आप कितने रुपए का केस लेके जाते हो? 1 करोड़ से ऊपर. तो बग्गा भाई का कहना था कि मेरे को कम से कम 1 करोड़ कॉम्पनसेशन चाहिए क्योंकि मेरी फ्लाइट मिस हो गई. हाँ उन्होंने मेरे को दूसरी फ्लाइट दी, मान सम्मान से पहुँचाया, पर नहीं अब 1 करोड़ चाहिए कम से कम. 2-4 लाख रुपये ज़्यादा मांग के प्लेन ही खरीद लेता ना. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रेस्पॉन्डेंट कुड नॉट बी हेल्ड टू बी गिल्टी ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस. ऐसे केस में कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं थी. फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी, क्या कोई भी आपको कहीं भी रोक के वेरिफिकेशन करवा सकता है? ऑब्वियसली यार करवा सकता है. अपने शाहरुख खान भाई तो इस हिसाब से 10,000 करोड़ मांग लेने चाहिए. हर बार एयरपोर्ट पे पकड़ पकड़ के रोका है उस आदमी को यार, कितनी बार रोका है. सो वेरिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी. अब सोचो मुझे एक बात बताओ, अगर इस बंदे को वेरिफिकेशन नहीं करते और इसके बैग में गन निकल जाती, फिर तुम कहते हैं नेग्लिजेंस? मतलब दोनों तरफ यही मरने वाले, वेरिफिकेशन करे तो डेफिशिएंसी और बम निकला और तुमने चेक नहीं किया तो डेफिशिएंसी, तो ये कहाँ जाएंगे? तो ऑब्वियसली दिल से कि इट्स माई पार्ट ऑफ ड्यूटी जहाँ पे हमने चेक किया. हाउएवर वेरिफिकेशन के बाद मान लो आपकी फ्लाइट छूट गई, तो दी ना आपको नई फ्लाइट और साथ में 2500 कॉम्पनसेशन भी दिया. तो सारे कमीशन ने बोला कि ये बहुत जस्टिफाइड एक्ट था और ये उनका काम था ध्यान रखना कि भाई हमने चेक करना है. आप क्या कभी एक डॉक्टर के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? अच्छा मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने कहा यार मेरे हाथ में दर्द है, तो उन्होंने कहा एक MRI कराओ एक एक्सरे कराओ, इसके 4,000 लगे. भाई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया तो डॉक्टर पर केस कर दूँ? साले जब मेरे रिपोर्ट में कुछ नहीं आया तो तूने क्यों कराई? या एक एक करके करा था स्टेप बाय स्टेप? ऐसे नहीं कर सकते आप. उसको बेटर लगा इसे वेरीफाई कर लेना, हेंस उसने चीज़ करवाई. आप या नहीं बोल सकते देर इज डेफिशिएंसी इन सर्विस और नेग्लिजेंस. ऐसा हो तो आधे डॉक्टरों के ऊपर केस होंगे. आज गब्बर मूवी देखी थी ना, वो वाला सिस्टम है, तो फिर नेग्लिजेंस ही नेग्लिजेंस है. हेल्ड टू बी गिल्टी ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस द स्टाफ ऑफ द एयरलाइन एक्टेड फेयरली एंड इन अ बोनाफाइड मैनर कीपिंग इन माइंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स एंड द एयरक्राफ्ट. द फोटोग्राफ ऑन द वीजा डॉक्यूमेंट वॉज अ फोटो कॉपी एंड नॉट द ओरिजिनल विच वॉज अनयूजल. इन द सर्कमस्टांसिस द स्टाफ टुक सम टाइम टू असर्टन द ट्रूथ एंड हेल्प द एपेलेंट टू रीच न्यूयॉर्क एट द सेम डे. तो इधर दिक्कत क्या हुई थी कि इस बंदे को यहाँ पर रोका क्यों था? कि भाई का जो पासपोर्ट था उसमें भैया ने जो फोटो लगा रखा था, भैया ने फोटो की फोटोकॉपी लगा रखी थी. सही है. अब फोटो की फोटोकॉपी लगाई है तो ये बहुत बड़ा डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं इसने ओरिजिनल फोटो हटा के यहाँ पे कोई फोटोकॉपी चिपका दी हो. तो बहुत रीजनेबल ग्राउंड था कि हमको वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा. हेंस द एयरलाइन वॉज जस्टिफाइड एंड इवन बग्गा वॉज जस्टिफाइड कि यार उसके साथ गलत हुआ तो 2500 रुपये ले और घर जा. नेशनल कमीशन जाके 1 करोड़ से ऊपर का क्लेम मांगने की कहीं जरूरत नहीं थी यहाँ पे. एंड हेल्प द एपेलेंट टू रीच न्यूयॉर्क एट द सेम टाइम. सिंपल केस खत्म. ये तीसरा वाला तो ओवर एक्सपर्टाइज का केस है. ठीक है तो अपन 3 केस डिस्कस कर चुके बेटा, स्विमिंग, एयरक्राफ्ट लैडर, प्लेन टिकट. फोर्थ केस, अच्छा फोर्थ केस किसका बेटा? डॉक्टर. और ये बेस्ट केस है, तो फेवरेट है मेरा, हर साल मेरे को ये पढ़ाने में सबसे ज्यादा मजा आता है. क्या केस है, दिल जीत जाते हैं.
तो भाई ये डॉक्टर केस में क्या हुआ, ये डॉक्टर था होम्योपैथी का डॉक्टर। होम्योपैथी समझते हैं क्या आप लोग? ठीक है, हाँ जी, होम्योपैथिक डॉक्टर था। अच्छा, तो इसने होम्योपैथी की दवाई दी। इसका जो पेशेंट था उसको आ गया उसके बाद भी फीवर। तो फीवर आया तो इसने बोला यार होम्योपैथी में टाइम बहुत लगता है इलाज करने में, फीवर में ज़्यादा टाइम बीमार नहीं रहना चाहिए। तो इस होशियार ने अपने अंदर खुद को एक और जगह पे क्वालिफाइड माना, एलोपैथी। बंदा उठा बोला एलोपैथी की दवाई देता हूँ, तू लेके जा। एलोपैथी की दवाई दी, अच्छा फीवर और बढ़ गया। इसने कहा रुक, तेरे को इस बार मैं देता हूँ एंटीबायोटिक, तू डर मत, और जैसी दवाई वैसा काम। अच्छा, एंटीबायोटिक का हिंदी मतलब जान लेने वाली दवाई, बायोटिक मतलब लाइफ, एंटी मतलब अगेंस्ट लाइफ, एंटीबायोटिक उसने दी, यही हुआ। जैसे ही इसने दवाइयाँ बढ़ाई पेशेंट और बीमार हो गया। तो इस भाई साहब ने बोला एक काम करो, इसको नर्सिंग होम में शिफ्ट करवा दो। अच्छा, नर्सिंग होम में भी जब इस डॉक्टर का अपनी एलोपैथिक की पूरी ट्रायल करने से पेट नहीं भर रहा, फिर वहां से इसको हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया, और जहां पे चचा ने दम तोड़ दिया। केस एकदम क्लियर है? आर यू एबल टू सी? हाँ जी, जहां पे भाई ने दम तोड़ दिया, ही डाइड। अच्छा, भाभी ने कहा चलो कोई बात नहीं, डेथ पे तो कोई बात नहीं, विडो फाइल्ड अ क्लेम, विडो फाइल्ड अ क्लेम। क्लेम क्या था भाई? विडो ने कहा कि भाई तू होम्योपैथी का डॉक्टर था, तू धीरे धीरे एलोपैथी करने लगा, तू तो पता नहीं अगर थोड़ा और टाइम बच जाता तो कोई नया प्रोफेशन भी लेके आता था अपने अंदर से। टू विच शी फाइल्ड अ क्लेम, जहाँ पे डॉक्टर क्या बोल रहा है कि नहीं मेरी तरफ से कोई गलती हुई नहीं है, मेरे हिसाब से उसे जिस टाइम जिस तरीके की दवाई की जरूरत थी मैंने तो वही दी। भाभी गई, भाभी बोले ठीक है तेरे हिसाब से तू जस्टिफाइड वो दिख ही रहा है इतना लंबा ट्रीटमेंट में तेरे, मैं कोर्ट जाती हूँ। जहाँ पे कोर्ट ने बोला कि आप जब होम्योपैथी के डॉक्टर थे और आपने एलोपैथी ट्राई करी, दिस वॉज नथिंग बट अ केस ऑफ नेग्लिजेंस, एंड नेग्लिजेंस भी नहीं, इसको आप केस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस बुलाओ, दिस इज अ केस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, मतलब बहुत बड़ा नेग्लिजेंस था। आप कह भी कैसे सकते हो कि आपकी गलती नहीं है, क्या यहां पे कॉम्पनसेशन मिलना बनता ही बनता है? यस, सो द डॉक्टर वॉज हेल्ड लाइबल फॉर नेग्लिजेंस, और यू से ग्रॉस नेग्लिजेंस, जहां पे हमने बोला था कि इसकी सर्विस में क्या है, डिफिशियंसी है, और इसको क्या पे करना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। हाँ जी, खत्म है, बस ये था, आ जाओ रीड कर लें, केस क्लियर है? किसी को कोई केस में डाउट हो तो पूछो, नहीं सिंपल, चलो। इन पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल, द रेस्पोंडेंट वॉज क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, द एपलेंट वॉज द विडो ऑफ अ पर्सन, भाई जिसने अपील करी वो कौन थी, विधवा, उस पर्सन की जिसका इसने कहा कि मृत्यु कर दी गई है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट। अच्छा बेटा, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, रेस्पोंडेंट मतलब, अच्छा देखो ये चीज़ हमेशा याद रख लेना, अगर कभी भी आपको, मतलब जिनको कन्फ्यूजन होता है उनके लिए बता रहा हूँ, कंप्लेनेंट मतलब शिकायत करता, जिसके साथ गलत हुआ है वो शिकायत करने जा रहे हैं, सामने वाले बंदे जिसके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हो अब वो आके जवाब देने वाला है, रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट मतलब जवाब देने वाला। अच्छा, जो कंप्लेनेंट है जाहिर सी बात है वही पीड़ित भी है, जो कंप्लेन करेगा, आप कंप्लेनेंट को कभी कभार प्लेंटिफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो रेस्पोंडेंट है मतलब कि जो जवाब दे रहा है आप उसको, अच्छा वो खुद को बचा भी रहा है, आप उसको डिफेंडेंट भी बोल सकते हैं। डिफेंडेंट भी बोल सकते हैं,
सो कंप्लेनेंट प्लेंटिफ प्रोसिक्यूशन. बेटा ये सारे लोग होते हैं जो होते हैं अग्रीव्ड, जो होते हैं अग्रीव मतलब जिनके साथ गलत हुआ है, जो शिकायत करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पार्टी. और सेकंड सामने की तरफ आप यूजुअली दो ही नाम पढ़ेंगे, रिस्पोंडेंट या फिर डिफेंडेंट. ये लोग कौन होते हैं जिनके खिलाफ शिकायत की जाती है, तो दिस बिकम्स द अदर पार्टी. हाँ बेटा समझा. अब इस केस को वापस एक बार रीड दो, सिंस बहुत सारे वर्ड बार बार रिपीट हो रहे थे. द रेस्पॉन्डेंट, रेस्पॉन्डेंट मतलब कौन होता है बेटा, डिफेंडेंट जिसके खिलाफ आपने केस किया. देख लो अभी पेपर ने लिखा है रेस्पॉन्डेंट मतलब डिफेंडेंट, जवाब देने वाला. द रेस्पॉन्डेंट वॉज अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो भाई ये डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर था किस चीज के लिए, होम्योपैथी डॉक्टरिंग के लिए. द एपिलेंट वॉज द विडो ऑफ अ पर्सन, जिसने अपील की वो कौन थी, एक विडो थी, ऑफ अ पर्सन हु इट वॉज अलेज्ड हैड डाइड बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द रेस्पॉन्डेंट. रेस्पॉन्डेंट कौन है यहाँ पे, डॉक्टर जो जवाब दे रहा है. इन एडमिनिस्ट्रिंग एलोपैथिक मेडिसिन इन विच ही वॉज नॉट क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस. इट वॉज अलेज्ड दैट द डिसीज्ड वॉज ट्रीटेड टू बिगिन हिम, सॉरी द डिसीज वॉज ट्रीटेड टू बिगिन विथ फॉर वायरल फीवर ऑन एलोपैथिक मेडिसिन, एंड सिंस हिज कंडीशन हैड नॉट इम्प्रूव्ड एंटीबायोटिक्स वर यूज विदाउट कंडक्टिंग प्रॉपर टेस्ट. वेन हिज कंडीशन फर्दर डेटरियोरेटेड he was removed to a nursing home and after 4 days he was removed to a hospital in an unconscious state. within few hours thereafter he died. straight case jaisa apan ne banaya tha. her complaint to the national consumer dispute redressal commission for damages for negligence and carelessness of respondent in treating her husband was dismissed. bhai sahab national commission ne dismiss kar di complaint, bola ki koi deficiency in service nahi, wo to dhyan rakhne ke liye dawai de raha tha. to सबसे पहले आप कहाँ कंप्लेन करते हो, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, नेशनल, और फिर आखिरी अपना हथियार सुप्रीम कोर्ट था. अलाउिंग द अपील द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रेस्पॉन्डेंट हु हैड प्रैक्टिस्ड इन एलोपैथी विदाउट बीइंग क्वालिफाइड इन दैट सिस्टम वॉज गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस पर से. अ पर्सन इज लाइबल एट लॉ फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज नेग्लिजेंस. ये उसकी गलती थी. अच्छा बेटा इसके बाद स्पेस है जुरिस्डिक्शन ऑफ द कमीशन. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट इज़ बियॉन्ड डाउट. बेटा मैंने पूछा था कि क्या एयरलाइंस, क्या ये सब कोपरा के अंदर आता है, सब आएगा. तो जुरिस्डिक्शन का मतलब, बेटा जुरिस्डिक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, कि क्या मैं इसके ऊपर पावर एक्सरसाइज कर सकता हूँ या फिर नहीं. जुरिस्डिक्शन ऑफ द कमीशन. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट इज़ बियॉन्ड डाउट दैट द डिस्प्यूट रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट टू पर्सन एंगेज इन मेडिकल प्रोफेशन आइदर एज प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और एज government doctors working in hospitals or government dispensaries come within the purview of consumer protection act 1986. it is also settled that a patient who is a consumer has to be awarded compensation for loss or injury suffered by him due to negligence of the doctor by applying the same test as are applied in an action for damages of negligence. bole kuch doubt case ke andar. up to there it's a question of fact, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. सो नेशनल कमीशन फेल्ड कि ये हमारा जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और हमें इसके बीच में नहीं आना चाहिए. सो दे वुड हैव रिजेक्टेड ऑन दैट ग्राउंड टू विच सुप्रीम कोर्ट सेट. देख लें जुरिस्डिक्शन का पॉइंट कि ये वेरी वेल सेटल्ड चीज़ है कि हमारे अंडर आना ही चाहिए और कोपरा इसमें जवाब दे सकता है. एंड ऑन द कॉन्ट्री या जजमेंट है ना इज कम्प्लीटली अ सब्जेक्टिव पार्ट. या सोचना कितने लोग अपना जजमेंट लेके अपील करते ही करते हैं, ठीक है, एवरी वन डज एन अपील, और कितने सारे जजमेंट चेंज भी होते हैं. तो इसका मतलब नहीं है कि सेशन कोर्ट इनकम्पिटेंट है. इट्स द वे यू अप्रिशिएट एन एविडेंस व्हेन इट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू फील दैट दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सर्कमस्टेंस, हेंस आपका जजमेंट इस तरफ जा रहा है. समवन फील्स कि नहीं यार इतना रेलेवेंट एविडेंस नहीं है, आई वुडेंट टेक दिस एज अ कंक्रीट एविडेंस जहाँ पे मैं जजमेंट दे दूँ, तो कोई लोग डिनाई भी कर सकते हैं. कंप्लीटली अ फैक्ट, वरना तो कितने जज के ऊपर केसेज हो जाते हैं यार कि आपने ऐसा जजमेंट दिया, हाईकोर्ट तो ऐसा बोल रहा है, या तो कह दो हाईकोर्ट वाले मूर्ख है, सेशन कभी बोल ही नहीं सकते ये बात यार. ए वर्सेस राहुल गांधी, ठीक है, क्वाइट अ क्लियर केस. हाँ राहुल गांधी के एस्टेट, राहुल गांधी के एस्टेट,
एस्टेट, एस्टेट मतलब उसकी प्रॉपर्टी, एस्टेट इज इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एस्टेट. हाँ इंसॉल्वेंट निकला तब तो. इन इंडिया एनी पर्सन हु इज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट टू आस्क मनी फ्रॉम एन इंसॉल्वेंट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस अंडर इंडियन लॉ. कोई बर्बाद हो गया ना तो कोर्ट कहता है हम बता रहे हैं ना बर्बाद हो गया, तो हमें क्या वापस आके बोल रहा है कि वो बर्बाद हो गया, हमें पता है. तो आप किसी इंसॉल्वेंट के ऊपर केस भी नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज एन इंसॉल्वेंट इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ केस एंड फाइलिंग अ केस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटरिंग इनटू अगेंस्ट यू. हेंस इंसॉल्वेंट के ऊपर केस नहीं होता. तो राहुल गांधी अगर इंसॉल्वेंट है तो मरे या बचे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ पर क्या उसके ऊपर फ्रॉड प्रूव किया जा सकता है इवन इफ ही इज इंसॉल्वेंट? द आंसर इज यस. फ्रॉड प्रूव कर सकते हो दैट ही इज अ फ्रॉडी, ये आप प्रूव कर सकते हो, दिस इज फॉर श्योर. हाँ जी हाँ जी. इन गोपीराम गोयल एंड अदर्स वर्सेस नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट एंड अदर्स, द नेशनल कमीशन हेल्ड दैट वेयर द रिकॉर्ड एंड एविडेंस शोज दैट द कंडक्ट ऑफ द ऑपोजिट पार्टीज दैट इज डॉक्टर्स वॉज मोर देन रीजनेबल. अच्छा एक सेकेंड, मान लो कि मेरे सामने एक पेशेंट आया ब्रीदिंग वेरी स्लोली अबाउट टू डाई. आई एम अ डॉक्टर, आई जस्ट सॉ, अब मेरा पता नहीं क्या, नस चेक करी, एक आदमी देगा ठीक है, मैंने कहा अरे तो कभी भी टपक सकता है. अच्छा मैंने जल्दी से मेरे सारे आइंस्टाइनस दिमाग लगाए, सारी दवाइयाँ मंगाई, नर्स दवाई लेके आई, दवाई लगाना स्टार्ट किया. बट टिल द टाइम वी कुड हैव डन समथिंग, इवेंचुअली हार्ट रेट ड्रॉप्ड. माई क्वेश्चन इज विल आई बी कमिंग अंडर डेफिशिएंसी इन सर्विस? नो. वाई? आपने कहा यार आपने अपना रीजनेबल कोशिश की ना, मतलब जितना दिमाग था उतना लगाया. आप अच्छे डॉक्टर हो खराब डॉक्टर हो इसको डेफिशिएंसी नहीं कहते, हम कहते हैं आप जिसका जिस तरीके भी डॉक्टर हो, क्या एक नॉर्मल इंसान ऐसा ट्रीटमेंट करता? अगर आप भी वैसे ही कर रहे हैं तो कंप्लीटली परमिसेबल है, पर अगर एक नॉर्मल इंसान भी ऐसा ट्रीटमेंट ना करता तो एटलीस्ट आपको डेफिशिएंसी इन सर्विस के अंदर आना होगा, जो ये वाला केस था जिसमें कहा दैट दैट इज डॉक्टर वॉज मोर देन रीजनेबल एंड द लेवल ऑफ केयर वॉज एज कुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोफेशनल इन एक्सरसाइजिंग reasonable degree of skill and knowledge. The complainant, however, failed to prove any case of negligence. Complaint, jisne shikayat ki, wo prove hi nahi kar paye ki koi negligence hui thi on the part of doctors. Therefore, the doctors cannot be held liable for death of patient. Abhi Rajasthan mein case hua tha with this. To Gujarat se ek Rajasthan ki taraf bus aa rahi thi, state bus thi. Wo aise niche ki taraf gir gayi. Achha, wo khai bhi nahi keh sakte, khai ki bejati wo. Rajasthan se Gujarat ke beech mein 6 lane ban rahe. तो 4 लेन तो ऑलरेडी था, तो 2nd लेन बनाने के लिए पहले जमीन डिग कर रहे हैं ताकि वहां से एकदम एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बना पाए, क्योंकि जैसे ही 6 लेन हो जाएगा तो ट्रोले डंपर ये सब वहां से चलने निकलेंगे, तो दे नीड टू मेक हैवी रोड्स. तो मान लो कि 6-6.5 फुट नीचे खड्डा खोदा होगा, अ गुड ह्यूमन हाइट उतना खड्डा होगा. तो बस वाला रात को गाड़ी चला रहा था, थोड़ा झूम रहा था, वो भी मस्ती में बस भी झूम गई, गले नीचे गाड़ी के साथ. अब इतने से मैं तो गिर के कोई मरेगा भी नहीं, क्योंकि बस की हाइट भी 6-6.5 फीट होती है. तो आप प्रैक्टिकली खाली ऐसे फंसे हुए थे बीच में यूं टेढ़े, तो सबको चोट आई जो इस तरफ विंडो के आसपास बैठे थे, जो वादियों के मजे ले रहे थे. तो जल्दी से पुलिस आई, पुलिस ने जल्दी जल्दी निकाला, एम्बुलेंस के अंदर डलवाते गए एंड दे सेंट इट टू द स्टेट हॉस्पिटल राजस्थान उदयपुर में, मेरे गाँव में. अच्छा उदयपुर वाले डॉक्टर्स वहाँ पहले से तैयार खड़े थे कि हम इनका इलाज करेंगे. 5 घंटे में सारे पेशेंट तैयार करके वापस बाहर निकाल दिए कि आप तो रेडी हो, वापस बस पकड़ो, निकलो गुजरात, एडमिट होने की जरूरत नहीं है. अच्छा गुजरात जाने के बाद अगर 10 लोगों का इलाज करा ना तो 6 के 6 लोग पहुंच गए वापस से हॉस्पिटल गुजरात के. और गुजरात का मैं आपको बोल रहा हूँ इंडिया में सबसे अच्छा मेडिकल लेवल गुजरात है, आप टच ही नहीं कर सकते गुजरात को, इतना शानदार. अच्छा डॉक्टर्स ने देखते ही कह दिया कि क्या कचरा करवा के आए हो आप लोग, इस तरह तो खून तक उल्टे आ जाते चलते चलते, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. एक पर्सन ने जिसने सबसे बड़ा क्लेम फाइल किया है उसकी आँख में चोट आई थी, इन लोगों ने सही करके ड्रेसिंग करके टाँके लगा दिए. जब वो टांके खुले तो अंदर कांच के दो टुकड़े बाकी थे. ये तो पहला केस था जिसमें कांच के टुकड़े निकाल के उसको वापस से पैक करके दिया कि भाई ये पैकिंग कर दिए अभी जा. वो वहीं से डायरेक्ट कोर्ट गया कि मैं तो डायरेक्ट डॉक्टर्स के ऊपर केस मारने वाला हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो. अच्छा देखो फिर भी अपने डॉक्टर्स केस जीत गए, कंसिडरिंग वहाँ पे उस टाइम रात को 2 ही डॉक्टर थे और इतने सारे लोग मल्टीपल लोग आ गए थे और इतनी सारी चोटिल चीज़ थी और वो डॉक्टर इज़ नॉट कम्पिटेंट फॉर आई स्पेशल, और वो उस टाइम रात को 4 बजे आई स्पेशलिस्ट कहाँ से ला के देगा तुमको. तो उसने जल्दी जल्दी से सर्जरी करी और उसने रिपोर्ट में लिखा भी था टू बी चेक्ड बाय अ आई सर्जन अगेन, उसने डाल दिया था तो छोड़ दिया. अच्छा ये सब रिपोर्ट बाद में बनी है, मैं लिख के दे रहा हूँ तुमको, ये सब बाद में बना है, ये कुछ उसने पहले नहीं लिखा होगा. कोई डॉक्टर रात को ऐसा लिखेगा 4 बजे बैठ के कि यार एक अच्छे डॉक्टर को दिखा देना, मतलब खुद की तारीफ खुद ही इतनी बड़े बड़े अक्षरों में नहीं करता कोई. बट ये बात की रिपोर्ट्स हैं जिसकी वजह से स्टेट का भी केस रह गया और इक्का दुक्का डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया कि भाई तू तो बिल्कुल ही मजाक कर रहा था, जिसके पाँव में कांच लगा हुआ तूने कांच के साथ ही ऊपर पट्टी बांध के दे दी कि जा
खून बंद कर दिया मैंने, तो वो कांच अब उसका पाँव का पार्ट है, जैसे तुम्हारे यहाँ पे ट्राइसेप्स होते हैं उसके यहाँ पे ग्लासेप्स है, ऐसी हालत कर दी है। तो बहुत खराब। अगर मान लीजिए जो फर्स्ट वाला केस था, अगर उन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की फिर भी तबीयत में एरर आता तो आप कुछ नहीं बोलते, पर अगर आपने कोशिश नहीं की और एरर आया तब आप कंप्लेन करने वाले हो। नेक्स्ट केस था, ये बेस्ट था, ये मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था। तो इसे कहते हैं डोंट टेक फ्लाइंग एरो इन योर हैंड। बेस्ट हुआ था ये दीदी के साथ, तो मजाक हुआ। ट्रेन केस, तो दीदी ने कहा कि मैं जा रही हूं घूमने, दीदी ने करी ट्रेन की बुक, टिकट बुक करी, ट्रेन में बैठी, मस्त बैठी हुई थी दीदी। दीदी को पता नहीं क्या मस्ती चढ़ी, दीदी ने कहा इस बोगी से जाएंगे उस बोगी में, ऐसे ही एक चक्कर लगाने, ठीक है। अच्छा, एक बोगी से दूसरी बोगी के बीच में कैसा ना माउंटेन टाइप इन लोग ने ऐसे क्रॉसओवर बनाते हैं, तो दीदी अलग ही चौड़ में थी, दीदी सीधे सीधे दौड़ती गई, दीदी नीचे देखा ही नहीं, दीदी का पाँव निकला, पाँव के साथ दीदी भी निकल गई नीचे ट्रेन में। दीदी नीचे से ही डायरेक्ट ऊपर निकली, रुकी ही नहीं एक मिनट भी, और ट्रेन भी नहीं रुकी। अच्छा, अब जब दीदी जहाँ घूमने जा रही थी वहाँ नहीं पहुँची, पता लगाया गया तो पटरी पे उनके कुछ निशान मिले, उन निशानों के दम पे इन्होंने कहा कि भाई दीदी तो निपट गई, और इन लोगों ने केस किया फाइल रेलवेज के खिलाफ। रेलवेज ने कहा हट, हमारे ऊपर कोई क्लेम बनता ही नहीं। बोले हमने जाने से पहले एक एक बोगी चेक करी थी, सारी बोगी एकदम सही थी। तो इन लोगों ने कहा कि मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि दीदी इतनी मरने की शौकीन थी कि उसने ट्रेन की टिकट बुक करी कहीं जाने के लिए, फिर तेरी बोगी में बैठी, फिर उसने एक स्क्रू ड्राइवर लिया, वो रोल ओवर खोला, खोलने के बाद वैसे नीचे कूद के मर गई, ये इतना लंबा प्लान और ऐसी मौत के लिए, चूहे की दवाई, नींद की गोली, ट्रक के आगे कूद जाना, बहुत सारी चीज़ें, तो मतलब ये तो बनता ही नहीं था। तो ट्रेन वालों का नहीं 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 आपको आपकी देखो हमारी कसम है, हमारे ऊपर मत डालो, हम वैसे ही लॉस में चल रहे हैं, हम नहीं देंगे कोई पैसे। इसने कहा भाई बनता ही है तुम्हारा। अच्छा, फिर इन लोगों ने क्या बोला, इसने बोला नहीं नहीं एक्चुअली ट्रेन वालों की गलती नहीं है, ट्रेन वालों ने एक कोच अपॉइंट किया था, ये कोच पर्सन अपॉइंट किया था जैसे घूम के चेक करता है सब कुछ सही है, वो नया था तो उसको नहीं पता पड़ा कि ये खराब है या ऐसा कुछ है, हेंस ऐसा प्रॉब्लम हो गया। हमने कहा तेरा कोच खराब था, कोच चेक करने वाला खराब था, ये जगह में जब तू निकल रहा था तब सब कुछ सही था, बाद में किसी चोर उचक्के ने खोल दिया। इन सारे केसेस में हमारी दीदी की क्या गलती है, दीदी तो मासूमियत से घूमने जा रही थी, हेंस अगर आप वो ट्रेन पे थी तो ये आपका रिक्वायरमेंट है। तो इसने बोला अरे ये कोई बात नहीं, ट्रेन एक्सीडेंट्स पे कॉम्पनसेशन मिलता ही नहीं है, और ये रूल है ट्रेन एक्सीडेंट्स पे कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, मतलब कि ट्रेन चल रही थी, चलते चलते पटरी से उतर गई, सबके साथ ही है भाई, सबके सब गिर गए, एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन, अब क्या कर सकते हो आप। हमने कहा कि चाचा ये ट्रेन एक्सीडेंट कैसे, एक्सीडेंट होता तो सब नीचे जाते, इसको तो मिस हैपनिंग बोलेगा क्योंकि तुमने नेग्लिजेंस करा था तुम्हारी जगह पे। हाँ, तुम ट्रेन चला रहे होते पटरी पे, बारिश का माहौल है, ट्रेन पटरी पे स्लिप हो गई और ट्रेन नीचे उतर गई, सबको चोट लगी, बिल्कुल सही है, एक्सीडेंट है, मत दो कॉम्पनसेशन। और बारिश के मौसम में आप देख ही लो सबसे ज़्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, बिकॉज पटरी पे ड्यू आ जाता है, और ड्यू आने की वजह से बहुत बार क्या होता है जब पूरी ट्रेन शिफ्ट हो रही होती है तो कभी कभार पटरी से उतरने का चांस होता है। ऑल दो नाउ ट्रेन आर मच बेटर एज कम्पेयर टू अदर्स, बट पहले के केसेस में ड्यू की वजह से ही मेन एक्सीडेंट। कभी भी देखना कि ट्रेन सुबह के टाइम पर ज़्यादा हॉल्ट लेती है एज कम्पेयर टू इवनिंग डे, वो इससे नहीं कि तुमको गर्मी कम लगेगी या कम गर्मी ज़्यादा लगेगी, द आइडिया इज कि सुबह सुबह पहले हल्का सा ड्यू निकल जाए उसके बाद दे विल ईजिली गो हेड। तो इसने बोला कि ट्रेन एक्सीडेंट है जबकि अप्लाई किया गया कि एक्सीडेंट नहीं है, नेग्लिजेंस है, और फाइनल जजमेंट आया कि नेग्लिजेंस है। और इस केस के अंदर अपनी आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्डर आया, 18 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दीदी के जाने के बाद पापा को दिया गया। तब से पापा सिर्फ दीदियाँ ही पैदा कर रहे हैं और ट्रेन में छोड़ देते हैं, साथ में 9% इंटरेस्ट भी दिया जितना टाइम आपको वेट करना पड़ा उसके लिए। देख लें, केस पढ़ा दूं। द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नथमल हंसारिया, द डॉटर ऑफ द रेस्पॉन्डेंट ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फेल डाउन फ्रॉम द रनिंग ट्रेन व्हाइल शी वाज पासिंग थ्रू द इंटरकनेक्टिंग पैसेज बिटवीन टू कंपार्टमेंट्स एंड डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रश इंजरीज ऑन हर हेड। इन द रेस्पॉन्डेंट्स पिटिशन फॉर कॉम्पनसेशन द रेलवे कंटेंडेड दैट द कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज हैड नो जुरिसडिक्शन टू कंसिडर अ
complaint of this nature in view of section 15 of Railway Claims Tribunal Act read with section 13 of that act. The State Commission held that a railway passenger travelling in train on payment of consideration was a consumer within the meaning of Consumer Protection Act 1986. So State Commission ne kya bola? Ki aap train pe jab travel kar rahe the, to aap kya ho? Ek consumer ho. Section 82A of the Railway Act referred to section 13 of the Railway Claims Tribunal Act and the rules made thereunder provided compensation for railway accidents and not for accidental deaths. Ekdam theek hai? Of this nature. Dismissing the appeal, the National Commission held that the death of the passenger could not be described as resulting from railway accident but an accidental death caused by the absence of safety devices in the vestibule passageway. Although the railway administration had claimed that the coach was a new coach, hamari train to sari nahi ki nahi hai, and that all coaches had been thoroughly checked at the starting point of the train and that no defect was reported, the railway had not contended that this particular coach was checked at the time of commencement of the journey. The general statement of practice and procedure was not conclusive proof that this particular coach was checked, and no evidence had been produced in support of their contention. Thus, the State Commission was right in holding that the deceased passenger was a consumer, and on the basis of similar facts, MRTP Commission has recently awarded a compensation of 18 lakh rupees with 9% interest to the parents of deceased. The above compensation appears to be the highest award in Commission's history. Acha soch lo 18 lakh yahan pe zyada hai, aur bahar jagah pe agar McDonald's pe keeda mil jaye na, मैं कह रहा हूँ मैकडोनल्ड्स में कीड़े ही बिक पाए इतना ही पैसा बचेगा उनके पास, इतना गजब कॉम्पनसेशन मारते हैं. जॉनसन एंड जॉनसन पर भी केस हुआ, एक आंटी को कैंसर हो गया स्किन, तो जॉनसन एंड जॉनसन वाले बोले कि आंटी एक बात बताओ, हमने तो लिखा है इट्स बेबी प्रोडक्ट, आप क्यों लगा रही थी वो? वो कहती है मुझे बचपन से खुशबू अच्छे लगते थे. तो बोला जॉनसन सूंघ बैठ के, अब यही बचा, उसको स्किन कैंसर हो गया. जॉनसन बोला कि भाई बच्चों का पाउडर है, बच्चों की स्किन पे अच्छा लगता है. 70 की उम्र तक जॉनसन एंड जॉनसन लगा रही हैं हम, इतनी लॉयल्टी. फिर भी आंटी ने क्लेम फाइल किया कि मेरे को कैंसर हुआ, मेरे को कॉम्पनसेशन चाहिए, जितना ही मेरा इलाज का खर्चा होगा आप मेरे को भर के दोगे. मतलब जॉनसन एंड जॉनसन वाले बोले कि वाह भाई अभी भरेंगे, केस चल रहा है कॉम्पनसेशन पर. जॉनसन एंड जॉनसन को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा यार, आपने ऐसा थोड़ी लिखा है कि 2 साल की उम्र तक के बच्चों को लगाओ नहीं तो कैंसर हो जाएगा. हम तो 2 साल के, फिर 2 दिन के बच्चे को ना लगाएं कभी वो पाउडर, अगर आपने वर्ड यूज कर दिया कैंसर. नेक्स्ट, रेप्यूडिएशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम बिकॉज द ड्राइवर डिड नॉट हैव अ वैलिड लाइसेंस. ये मस्त केस है वापस से. इन केस ऑफ जितेंद्र कुमार, नाम से दिख रहा है, वर्सेज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अनादर, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट वेयर द फायर हैज अकर्ड ड्यू टू मैकेनिकल फेलियर एंड नॉट ड्यू टू एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द ड्राइवर, the insurance company cannot repudiate the claim because of lack of valid driving license. अब देखो इसमें क्या हुआ, the drivers were driving this train, आग लगी train में, तो insurance company क्या बोल रही है कि हम आग के पैसे नहीं देंगे. To which we asked, क्यों नहीं दोगे? इसने कहा driver के पास license नहीं है. To which the court replied कि driver के पास train चलाने का license नहीं है, आग लगाने के लिए कोई license नहीं लगता है, आग लगी है और ये एक नॉर्मल कोर्स में आग लगी, किसी की गलती से नहीं लगी है. हेंस इवन इफ अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं भी है तो भी आपको कॉम्पनसेशन क्लेम करना बनता है. अच्छा ये ट्रेन केस एकदम क्लियर है, वेस्टिब्यूल ट्रेन वाला, ठीक है. यहां पे था कॉम्पनसेशन टू बी पेड टू द पेरेंट्स, हाईएस्ट कॉम्पनसेशन बनाया था कितना लाख, प्लस 9% प्लस कॉस्ट. अच्छा इसी का एक और ट्रेन केस जहां पे लाइसेंस था, लाइसेंस वाज नॉट अवेलेबल, बट जो एक्सीडेंट हुआ वो उसके चलाने स्किल्स की वजह से नहीं, किस वजह से, आग लगने की वजह से हुआ. तो यहां पे इसके लाइसेंस का रोल ही बीच में नहीं आता. सो द इंश्योरेंस कंपनी is bound to pay compensation. ठीक है,
अब आ रहे हैं अपन सबसे बड़े केस की तरफ. इसमें आपका जजमेंट अलग आएगा और यहां का जजमेंट अलग आएगा. चले रीड मत करो. नेक्स्ट केस क्या है? एलआईसी का केस है. मैं आगे एलआईसी स्लैश एजेंट लिख रहा हूं तो आपको याद रहेगा. अब मैं आपको केस बता रहा हूं, आप जजमेंट देना, ठीक है? बोलू. अब इस एलआईसी एजेंट केस में क्या हुआ बेटा? एक पर्सन था जिसको अपनी जान की कुछ ज्यादा ही फिक्र थी. फिक्र इतनी कि उसने खुद की 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज निकाल रखी थी. कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, पसंद है उसको भाई, 4 निकाल दी. अब क्या हुआ कि इस बंदे ने एक बार एलआईसी पॉलिसी वाला आया तो उस बंदे को इसने क्या किया, चेक बना के दे दिया कि भाई आप जाके डिपॉजिट कर देना. और ये नॉर्मल कोर्स में भी वो लोग करते ही थे कि भाई अगर एजेंट आ रहा है, अपन लोग भी ऐसा करते हैं ना, एलआईसी के अगर पेमेंट वेमेंट होते हैं तो आज भी अपने पापा पापा क्या करते हैं, जिस एजेंट एजेंट के थ्रू कराए उस एजेंट को बोल देते हैं कि भाई तू डिपॉजिट करवा देना. एक्चुअल में होती है प्रैक्टिस, करते हैं ये लोग. उन्होंने भी यही किया, प्रैक्टिस में डाल दिया. अब एजेंट ने क्या किया, उसी दिन चेक एंड कैश भी करा लिया, मतलब पैसे निकाल लिए, क्योंकि चेक था बेरर चेक. बेरर चेक का मतलब सब समझते हैं, जिसके हाथ में वो चेक वो उसका मालिक. पैसे निकाल के बैठ गया. अच्छा, पैसे निकाल के इसको ये मानना था कि शायद तक हो गया होगा. 3 महीने निकल गए, उसने कभी जमा ही नहीं कराया पैसे. और उसके बाद चचा को जीवन से इतना प्यार था, और जब इतना प्यार था तो छिन्ना तो बनती थी. एक्सीडेंट हुआ एंड ही डाइड. वापस भाभी बोले कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, पर 4 इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैं जी लेगी तेरी याद में. सीधा भागी इंश्योरेंस पॉलिसी वाले के पास. टू विच द इंश्योरेंस पॉलिसी वाला रिप्लाइड, आपको एक बार के लिए हस्बैंड चाहिए तो हमको दे देंगे, पर पैसा नहीं देंगे. पैसा क्यों नहीं देंगे? प्रीमियम 3 महीने से पे नहीं किया, और हमारी पॉलिसी है कि अगर 3 महीने से कोई प्रीमियम पे ना करे तो उसकी पॉलिसी लैप्स कर दी जाती है. तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई. भाभी सीधा गई कोर्ट, और कोर्ट जाके बोला देखो ना भैया, यहाँ पे इन्हीं के एजेंट को हमने पैसे दिए और रिसीट भी लिए भाई, फिर भी हमको बोल रहे पॉलिसी लैप्स है. टू विच द LIC बॉडी रिप्लाइड, हमारे इंश्योरेंस एजेंट ने हमारे पास पैसा जमा नहीं कराया, 1. और दूसरी बात, हमने तो कभी उसको ऑथराइज ही नहीं किया था पेमेंट लेने के लिए. आपके सामने अभी केस आया है, आप बोलो दीदी को कॉम्पनसेशन दे या नहीं. जिन्होंने पढ़ा है वो मत जवाब दो. आपके हिसाब से दीदी को कॉम्पनसेशन दे या नहीं? ये सर देख, LIC बोल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस होगी, मेरे को क्या करना. LIC ने खुला बोला मैंने इसको ऑथराइज नहीं किया. पैक इधर क्वेश्चन, बट एवरीवन नोस कि वो 50 लोगों से पैसे लेता है और जमा कर. अच्छा, LIC को ये तो पता नहीं कितनी बार एजेंट आके जमा कराते हैं पैसे कैश में, तो ये तो फैक्ट था ही कि लोग जमा करवाते हैं. नहीं मिलना चाहिए भाभी को कॉम्पनसेशन? गए तो गए भैया, क्यों? ठीक है, हाँ जी, नहीं मिलना चाहिए. अली मिलना चाहिए. अच्छा, इस केस में 2 जजमेंट आए. पहले स्टेट कमीशन बोला कि मिलना चाहिए. स्टेट कमीशन ने कहा 2 इनको. क्यों 2? क्योंकि आपको पता था जनरल प्रैक्टिस में इंश्योरेंस एजेंट आपके पैसे कलेक्ट करके आपके पास लेके आता है, तो इंप्लॉयड है. आपने उसको इंप्लाइड वारंटी दे दी है ना कि जा जाके पैसे कलेक्ट करके लेके आ. अगर आप लोग इतने ईमानदार हो तो एजेंट के पैसे ना लेते. एजेंट जब लेके आता तो बोलते जा वापस जाके दे, क्या हम उनसे लेंगे, तब हम मानते कि आप ऐसा कर रहे हो. स्टेट ने तो मना कर दिया भाई. स्टेट ने बोला कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. आई एम सॉरी, स्टेट ने बोला कॉम्पनसेशन मिलेगा. अच्छा, अब ये केस गया नेशनल कमीशन के आगे. नेशनल कमीशन ने कहा नहीं, आप गलत जा रहे हो. इन द इवेंट एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई होती है तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जीतना चाहिए? एक्सप्रेस जीतना चाहिए. एक्सप्रेसली क्या लिखा हुआ है? दैट द एजेंट इज नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट एनी पेमेंट फ्रॉम एनीवन एंड दिस इज बियॉन्ड हिज पावर. तो अगर वो एजेंट ऐसा काम कर रहा है जो उसके पावर के बियॉन्ड है
तो उसकी जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आनी चाहिए, LIC के ऊपर नहीं आनी चाहिए. एंड हेंस इन दिस केस द फाइनल वर्डिक्ट केम, जहां पे LIC ने रिटन पॉलिसी में लिखा हुआ था कि द एजेंट्स आर नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स. ऐसे केस में LIC वुड नॉट बी लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस ऑन पार्ट ऑफ द एजेंट, बिकॉज द एजेंट वॉज नेवर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस. ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसने ऐसे ही व्यवहार में कुछ काम कर दिया. और मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पहले दिन ही क्या बोला था कि कोई भी चीज़ जो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है उसमें डेफिशिएंसी या फिर डिफेक्ट नहीं देखा जाता. श्योर इनफ, रीड कर लो जल्दी से केस. मैं इधर खाली आपके याद रखने के लिए लिख रहा हूं, ये आप बाद में लिखना, पहले वो केस रीड कर लो. हाँ जी, कहाँ पे दिया हुआ है, मतलब क्या लाइन है, कंप्लीट बोलना. मतलब कुल मिला के आपको एक इंजरी, वैसे इंश्योरेंस क्या बोलता है कि इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग द इंश्योरेंस कंपनी विल मेक गुड द लॉस. पर आपने इतनी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज निकाली, कहीं ना कहीं व्हाट यू ट्राइंग टू से इज कि चाहे डेथ मेरी एक ही बार हो रही है पर मैं मल्टीपल क्लेम्स रेज करूंगा ताकि मेरी फैमिली बहुत इजीली आगे सर्वाइव कर पाए. तो आप बोलोगे सर एक ही बार मैं बड़ा इंश्योरेंस निकाल लेता, चार इंश्योरेंस निकालने की जरूरत क्या थी. द यूजुअल आइडिया है कि शायद मैं एक बार में इतना प्रीमियम ना भर पाया तो चार निकाल दिए तो एक दो तीन का भर दूंगा, एक का पैसा नहीं भी भरा तो तीन तो मेरी पॉलिसीज चल रही हैं. एक ही खाद चारों में एक ही प्रीमियम होता तो लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा है, लैप्स कभी भी हो सकती है. दैट्स द आइडिया. जल्दी से देख लीजिए, इट्स ऑलमोस्ट डन. 10 मिनट और पढ़ा के कर दूं क्या, खत्म कर देना, चैप्टर पैक हो जाएगा. 10 मिनट का और है. यार इस क्लास में गर्मी का बहुत इश्यू है यार. हो गया रीड, हाँ जी कुछ डाउट बचे. कहाँ किया देखना, इम्प्लाइड नहीं. अच्छा देख, इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, राइट, बिना बोले जब मैंने एक्सप्रेस बोल दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट फंड्स. देख इस केस में लिखा हुआ है एक्सप्रेसली, इट हैज मेंशन दैट द एजेंट इज नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ LIC. इससे ज्यादा एक्सप्रेस बोल दिया तो इम्प्लाइड का रूल कब आता है बीच में, जब कुछ एक्सप्रेस ना हो. अगर एक्सप्रेस इतना दिया है तो इम्प्लाइड का रूल ही नहीं आएगा. हाँ जी जल्दी पढ़ लो यार, इतना तो डिटेल डिस्कशन कर दिया कि इस पे. ये मैं आपको लिखने के लिए देता हूँ 5 मिनट, अपन पहले एक बार केस डिस्कस कर लें फिर आप आराम से लिख लेना. आई गिव यू टाइम. आ जाए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे, एकदम टाइम पास केस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन केस. अब इसमें क्या हुआ, एक बंदे ने
एलएलबी डिग्री के लिए कॉलेज में अप्लाई किया, एलएलबी करने गए भाई साहब कॉलेज में, कॉलेज में इसको एडमिशन भी दे दिया, एडमिशन दिया, बंदे ने सारे ईयर्स क्लियर कर लिए और एंड में टाइम आ गया इसको डिग्री अनाउंस करने का, एंड में टाइम आ गया इसको डिग्री अनाउंस करने का। सो नाउ अपन लोग जानते हैं कि अपन ने कुछ कोर्सेज को एज अ प्रोफेशनल कोर्स गिना है, जैसे आप सीए सीएस एलएलबी इन सबको प्रोफेशनल कोर्सेज गिनते हैं, तो इसमें इसको डिग्री की जरूरत थी क्योंकि इसके नेम के आगे प्रीफिक्स यूज करने वाला था इस चीज का ही। टू विच दे रिप्लाइड नो, कंसिडरिंग दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स और आप जब यहाँ पे आए थे जो आप प्री एग्जामिनेशन दे के आए, एलएलबी का एडमिशन लेने के लिए जो आप प्री एग्जामिनेशन देने आए थे, हम लोग उस प्री एग्जामिनेशन को अब रिकग्नाइज नहीं करते, नॉट रिकग्नाइज्ड। तो इसीलिए हम आपको डिग्री नहीं देंगे। डू यू थिंक दिस मेडिकल इंस्टीट्यूशन इज जस्टिफाइड? द आंसर इज नो। ऐसे केस के अंदर कोर्ट का ऑर्डर आया कि पहली बात तो उसको डिग्री दे, प्लस अब तो तू उसको क्या देगी, एक सेकेंड ना, 50,000 रुपीज का क्या दोगे, कॉम्पनसेशन भी दोगे। यहां तक ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी केस। इन श्रीधरन नायर वर्सेस रजिस्ट्रार, द यूनिवर्सिटी रिफ्यूज टू प्रोवाइड एलएलबी डिग्री सर्टिफिकेट ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑन द ग्राउंड दैट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टूडेंट वॉज एडमिटेड इन कोर्स इन दैट केरला लॉ कॉलेज हैज नॉट बीन रिकग्नाइज बाय इट। The National Commission held that this is a clear case of deficiency on the part of university. ये तो university की गलती है, आपको पहले देखना चाहिए था कि किसको recognize कर रहे हो किसको नहीं कर रहे हो। A compensation of 50,000 was awarded in this case. अच्छा next case पढ़िए मत, मैं आपको इसी में पहले दूसरा केस बताता हूँ फिर रीड करेंगे। एडुकेशन इंस्टीट्यूशन केस ही है बेटा ये भी। तो मैंने अप्लाई किया, लेट सपोज आई अप्लाइड इन MIT कॉलेज, सही है, मैंने एप्लीकेशन फीस भर के एडवांस फीस भर दी 30,000 रुपए। स्टिल आई सफर्ड, भाई मुझे क्या हुआ, मुझे सिम्बायोसिस मिल गया, तो आई लेफ्ट MIT एंड वेंट टू सिम्बायोसिस। तो आई फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड टू MIT कि जितना भी हो रिफंड दे दीजिए। MIT ने मुझे रिफंड देने से मना कर दिया। आप मुझे बताइए यहां पे MIT के पार्ट पे डेफिशिएंसी है या नहीं? नहीं है, नहीं है। आपने कॉलेज का एडमिशन छोड़ा है, कॉलेज ने आपको एडमिशन दिया था, आप अगर रिबाके जा रहे हो, आप पीछे निकल गए, तो ऐसे केस में रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकता, दिस इज फॉर श्योर। देख लीजिए केस इन इसाबेला थॉबर्न कॉलेज वर्सेस MS फातिमा FND, द स्टेट कमीशन हेल्ड दैट नॉन रिफंड ऑफ एडमिशन फीस इज नॉट अ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस ऑन द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी बिकॉज एडमिशन फी इज अ कंसिडरेशन फॉर एडमिशन एंड द रेस्पोंडेंट हरसेल्फ voluntarily withdrawn the admission from one university to join another institute cannot claim refund of admission fees. To which we come down to the last case and end. सबसे फेवरेट केस है पूछने के लिए। अच्छा क्यों, कुछ बहुत स्मार्ट चीज बताइए इसके अंदर, गोबर। कुल मिला के क्वेश्चन इजिली बन जाता है इस पे, हेंस इस पे क्वेश्चन है। जल्दी से खत्म कर दे, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, आप बात कर रहे थे लास्ट मेडिकल नेग्लिजेंस की। सर 5 मिनट, थैंक यू, बस बस आ गया सर, लास्ट में चैप्टर खत्म है, वरना 1 मिनट के लिए इतना वापस पूरा करना पड़ेगा। हाँ जी, इन कुसुम शर्मा एंड अदर्स वर्सेस बत्रा हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर एंड अदर्स 2010, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वाइल डिसाइडिंग वेदर द मेडिकल प्रोफेशन इज गिल्टी ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस फॉलोइंग वेल नोन प्रिंसिपल्स मस्ट बी केप्ट इन व्यू। तो बेटा इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछते हैं, What are the principles to be, what principles have been enunciated in the case of Kusum Sharma and others versus Batra Hospital regarding negligence on the part of doctors? तो आपको ये सारे principles बताने पड़ेंगे, बहुत सारे principles हैं, जल्दी जल्दी पढ़ना, कुछ समझाने को नहीं है, आ जाओ जल्दी। 1, negligence is a breach of duty exercised by omission to do something which a reasonable man guided by those consideration which ordinarily regulate the conduct of human affairs would do or doing something which a prudent and reasonable man would not do. Negligence ka matlab kya hai, ek basic duty hai yaar. Acha aap log gaadi chala rahe the phone pe baat kar rahe ho aur accident ho gaya,
अच्छा आप चाहते नहीं थे एक्सीडेंट हो, देर इज सम काइंड ऑफ नेग्लिजेंस, इट वॉज योर ड्यूटी टू ड्राइव नॉर्मली. एक नॉर्मल इंसान अगर गाड़ी चला रहा होता तो वो शायद फोन पे चैटिंग नहीं कर रहा होता दोनों हाथ छोड़ के स्टेयरिंग पे. दिस इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी. क्या इसके लिए आप इसको नेग्लिजेंस बुला सकते हैं? यस. तो ये है इसका पहला पॉइंट. क्या मेडिकल प्रैक्टिशनर भी जब काम कर रहा है तो उसको बेसिक एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अगर आपके सामने कोई पेशेंट आया है, चाहे रात को 2 बजे आए, दिन में 2 बजे आए, शाम में 6 बजे आए, जब भी आप उसको चेक कर रहे हैं तो आप बेसिक केयर के साथ चेक करेंगे जब कोई नॉर्मल इंसान चेक करता. यस. सेकेंड, नेग्लिजेंस इज एन असेंशियल इंग्रीडियंट ऑफ द ऑफेंस. द नेग्लिजेंस टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोसिक्यूशन मस्ट बी कल्पेबल. अच्छा बेटा, कल्पेबल का मतलब क्या होता है? बड़ा. अ ग्रॉस नेग्लिजेंस. अच्छा नेग्लिजेंस बहुत छोटा सा नेग्लिजेंस नहीं हो सकता. डॉक्टर ने सुबह 6 बजे बीपी चेक करना चाहिए, ही चेक डेट 6:10. नाउ दिस इज नॉट नेग्लिजेंस. 5-10 मिनट ऊपर नीचे समझ में आता है. सो इट शुड बी अ ग्रॉस नेग्लिजेंस एंड मस्ट बी एक्साइज. सॉरी, थर्ड पॉइंट है क्या? सेकेंड, एंड नॉट द नेग्लिजेंस मेयरली बेस्ड अपॉन एन एरर ऑफ जजमेंट. छोटा मोटा नेग्लिजेंस नहीं, ग्रॉस होना चाहिए. थर्ड, द मेडिकल प्रोफेशनल इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अ रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड नॉलेज एंड मस्ट एक्सरसाइज अ रीजनेबल डिग्री ऑफ केयर. Neither the very highest nor a very low degree care and competent judged in the light of particular circumstances of each case is what the law requires. अच्छा, ना हम बोलते हैं कि तू बहुत ज़्यादा talented हो, ना हम बोलते हैं तू बिल्कुल नीचे जा. हम कहते हैं कि जो काम तेरे से expect किया गया उसको जितना तेरा बन पड़े उतना तो ध्यान से करता. Like अगर एक बंदे को आप लोग एनेस्थीसिया बोलते हैं ना, ऑपरेशन से पहले जो सुलाने के लिए होता है, अगर हम आपको उस काम के लिए बुला रहे हैं, ना हम बोल रहे हैं कि दुनिया का बेस्ट तरीके से एनेस्थीसिया दे, ना वर्स्ट तरीके से दे, बट जितनी देर के लिए बोला गया उतना करके दे काम और वापस उसको होश में ला के दे. ऐसा ना हो कि तेरा एनेस्थीसिया का डोज इतना ज्यादा हो कि इसकी डेथ हो जाए, या ऐसा ना हो कि वो कोमा में चला जाए. क्या यहां पे आप नेग्लिजेंस बुलाओगे? हाँ, पर 30 मिनट के लिए सुलाना था, वो 40 मिनट तक सोता रहा. इज दिस परमिसिबल? परमिसिबल. आपने कहा इतना ऊपर नीचे समझ में आता है, पर कोमा में चला जाना बहुत खतरनाक चीज है. नेक्स्ट, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर वुड बी लायबल ओनली वेयर हिज कंडक्ट फेल बिलो of the standards of a reasonable competent practitioner in his field. आपको negligence कब मानेंगे? जब आप अपने standards से नीचे उतर के जितना किसी से भी expect किया जाता अगर कोई काम कर रहा होता. Next, in the realm of diagnosis and treatment there is a scope of genuine. अच्छा ये best part है. अच्छा आप एक doctor के पास गए, उसका आपके लिए कोई judgment अलग है, आप दूसरे के पास गए, उसका opinion कुछ अलग है. क्या opinion to opinion doctors differ करते हैं? Completely fine. यहाँ कोई negligence नहीं है. इस चीज को एकदम very important mark करना, case इधर बनाते हैं ये लोग. ठीक है, ओपिनियंस ऑफ डॉक्टर्स पर्टेनिंग टू डिफरेंट क्लासेस इज नो प्रॉब्लम, इज कंप्लीटली परमिसिबल. सो इन द रीम ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देर इज स्कोप फॉर जेन्युइन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड वन प्रोफेशनल डॉक्टर इज क्लियरली नॉट नेग्लिजेंट मेयरली बिकॉज हिज कंक्लूजन डिफरेंस फ्रॉम अदर. नेक्स्ट, द मेडिकल प्रोफेशनल इज ऑफन कॉल्ड अपॉन टू अडॉप्ट अ प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स हायर एलिमेंट ऑफ रिस्क बट विच ही ऑनेस्टली बिलीव्स एज प्रोवाइडिंग ग्रेटर चांसेस ऑफ सक्सेस फॉर द पेशेंट रादर देन अ प्रोसीजर इन्वॉल्विंग लेसर रिस्क. बेटा इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी देख लो. मेडिकल प्रोफेशनल ऑफन क्या करता है, कोई प्रोसीजर लेता है जिसमें हायर एलिमेंट ऑफ रिस्क हो बट विच ही ऑनेस्टली बिलीव्स एज प्रोवाइडिंग ग्रेटर चांसेस ऑफ सक्सेस. मेरे सामने एक पेशेंट है जिसकी हार्ट की एक ही वेन ब्लॉक्ड है, यार मुझे बहुत रिस्क लग रहा है कि अभी इसको दवाई से ट्रीट करना चाहिए, मैंने ग्रेटर वे चूज की कि बाईपास करेंगे, तो क्या डिफिशियंसी हो गई या नेग्लिजेंस आ गया? नहीं, मेरे को लग रहा है कि वहां पर सक्सेस का चांस ज्यादा है. Rather than a procedure involving lesser risk but higher chance of failure. Just because a doctor looking to the gravity of illness has taken higher element of risk to redeem the patient out of the suffering which did not yield the desired result may not amount to negligence. So, maine jis bande ka bypass karne gaya, yaar wo mar gaya. But I tried for a greater success, allowed. Koi negligence nahi hai yahan pe. Chalo aage. Negligence cannot be attributed to a doctor so long as he perform his duties. Likho upar. रिपीट पॉइंट, आप जब तक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं रीजनेबल केयर के साथ आपके ऊपर कोई नेग्लिजेंस का क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा. आपको जादू नहीं करना, आपको कोशिश करनी है. मेडिकल लॉ कहता है कोशिश पूरी करी, नेग्लिजेंस नहीं है. नेक्स्ट, 8th पॉइंट, इट वुड नॉट बी कंडक्टिव टू द एफिशिएंसी ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इफ नो डॉक्टर कुड एडमिनिस्टर मेडिसिन विदाउट अ हॉल्टर राउंड हिज नेक. इसका मतलब क्या हो बेटा, समझे? आप गए डॉक्टर का फीवर चेक करने. अच्छा अपन ने आज तक पिक्चर में कैसे देखा डॉक्टर? स्टेथोस्कोप लगा हुआ, वाइट जैकेट पहना हुआ. आपने कहा क्या नेग्लिजेंट आदमी है, स्टेथोस्कोप ही हाथ में नहीं उसके, कंधे पे आवाज कैसे आएगा उसको? डॉक्टर बोला भाई तुझे खांसी है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं थी तेरे को. तो यहां पे इसने क्या बोला कि ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज वो अपने एकदम सही एट्रीब्यूट्स में नहीं था तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा. सेकेंड लास्ट, इट इज आर बाउंडन ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सिविल सोसाइटी टू एंश्योर दैट द मेडिकल प्रोफेशनल्स आर नॉट unnecessary harassed or humiliated so that they can perform their professional duties without fear and apprehension. बाला साहब ठाकरे हॉस्पिटल में गए, उनकी डेथ अनाउंस करने से पहले बाहर आर्मी बुलानी पड़ी थी और डॉक्टर्स तो पहले ही रवाना हो गए थे. वाई?
अ बिग रिस्क, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी गलती है क्या. आप समझो देयर इज सम एज फैक्टर, ओके अ बिग सपोर्ट, बट उनके ऊपर क्यों प्रेशर डाल रहे हो. लेट देम ट्रीट द पेशेंट वेल. अगर वो इस डर से रह जाएगा कि भाई मैं इलाज करने जा रहा हूँ कुछ नुकसान हो गया, यहाँ पे तो उल्टा आ जाएगा यार. अगला बंदा अपना काम ही नहीं करेगा, वो बोलेगा ठीक है दवाइयों पे चलने देते हैं, ट्राई करूंगा मैं क्या कर सकता हूँ. कौन से पॉइंट पे आ गए, 10th. द मेडिकल प्रैक्टिशनर एट टाइम्स ऑल्सो हैव टू बी सेव्ड फ्रॉम सच अ क्लास ऑफ कंप्लेनेंट्स हु यूज क्रिमिनल प्रोसेस एज अ टूल फॉर प्रेशराइजिंग द मेडिकल प्रोफेशनल पर्टिकुलरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग अनकॉल्ड फॉर कॉम्पनसेशन. सच मलिशियस प्रोसीडिंग डिजर्व्स टू बी डिस्कार्डेड अगेंस्ट द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. क्या मतलब हुआ बताओ भाई जल्दी, सर बहुत मारेंगे मेरे को. हाँ जी किसी नहीं बताना जल्दी हो. हाँ एक मिनट, अच्छा ईमानदारी से लास्ट पॉइंट है सर, बताओ ना पूरा वीडियो बनता है. हाँ जी 10th वाला पॉइंट, फेक What kind of illegal practice? इतना तेज बोलेगी तो मेरे को कैसे सुनाई देगा. किडनी बेच देना तो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम उनको अगर किडनी बिकवा रहे तो सही है. जल्दी आओ, देखो क्या बोल रहे हैं. द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एट टाइम ऑल्सो हैव टू बी सेव फ्रॉम सच अ क्लास ऑफ कंप्लेनेंट्स हु यूज क्रिमिनल प्रोसेस एज अ टूल फॉर प्रेशराइजिंग द मेडिकल प्रोफेशनल्स हॉस्पिटल्स पर्टिकुलरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक. अच्छा आप मुझे ट्रीट कर रहे हो, अगर ट्रीटमेंट असर नहीं हो रहा ये जाके कंप्लेन कर रहा है कि गलत दवाइयों की वजह से मेरे को ऐसा किया. मैंने बताया था मैंने एक डॉक्टर के ऊपर केस फाइल किया था फॉर मेरे को मेडिसिन में स्टेरॉइड्स दे दिए थे, तो विच आई फाइल्ड अ कंप्लेन. अच्छा माय कंप्लेन वाज नॉट फ्रिवलेस, मेरा कहना सिर्फ इतना था कि आपको मेरे को बताना चाहिए था कि आप मेरे को दवाइयों में क्या दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स दे रहे हैं. अगर वो बता के करता तो मैं कंप्लेन कर सकता था, नहीं. सो ये 10th रूल है कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करो, ऐसा नहीं कि आप उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस कर दो हर छोटी छोटी बात पे. 11th एंड द लास्ट पॉइंट, The medical professionals are entitled to get protection so long as they perform their duties with reasonable skill and competence and in the interest of the patients. The interest and welfare of the patients have to be paramount for the medical professionals. Someone suffering from a heart illness, jisme uski heart ki tino veins block ho chuki hai, and the doctor suggested ki bypass nahi ho sakta. The better way is heart transplant. अब हार्ट ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है 25 लाख, बाईपास की कॉस्ट है 3 लाख. आप जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो क्या कि ये डॉक्टर हमको जबरदस्ती अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है. इफ ही इज जस्टिफाइड ऑफ हिज ओपिनियन और वो आपके ग्रेटर बेनिफिट के लिए चीज बोल रहा है तो देर इज नो नेग्लिजेंस. तो इट कैन नॉट बी द रीजन कि खाली अगर इलाज महंगा है तो उसकी वजह से वो आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है. सो द अपोजिट प्रिंसिपल मस्ट बी केप्ट इन व्यू व्हाइल डिसाइडिंग द केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड गोइंग